जिले के मांडल थाना क्षेत्र के बावलास गांव में एक विवाहित की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने बेटी की हत्या करने या उसे परेशान कर मरने को मजबूर करने के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार कीरखेड़ा मांडल निवासी शांतिलाल कीर की बेटी गणी की शादी 2008 में बावलास निवासी श्यामलाल कीर के साथ हुई थी। उसके 4 साल और 2 साल के 2 बेटे हैं। कीर ने बताया कि बीती रात को उसकी पत्नी की बेटी से फोन पर बात हुई थी, तब तक वह राजी खुशी थी। गणी ने आज मांडल में शादी के कार्यक्रम में आने की बात भी कही थी। आज सुबह गणी के ससुराल से फोन आया कि उसकी नाड़ी नहीं चल रही है। इस पर उसने सोचा कि गर्मी से बीमार हो गई होगी, तो उसने ससुराल वालों से उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन वह डॉक्टर के पास नहीं ले गए, उसने घर पर ही लिटा दिया। इसके बाद वह खुद वैन किराए लेकर बावलास गया। इससे पहले बागौर पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां गणी की लाश घर में फर्श पर लिटा रखी थी। पिता शांतिलाल ने बताया कि जब उसने बेटी के गले को देखा तो उस पर फांसी के निशान थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वे जब बावलास पहुंचे तब तक ससुराल वाले गणी का दाह संस्कार करने की तैयारी में थे। गणी के पति सहित ससुराल वालों पर गणी को मारने या उसे परेशान कर मरने को मजबूर करने के आरोप पिता ने पुलिस के सामने लगाए हैं। बागौर थाना प्रभारी मोतीलाल रायका ने बताया कि शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिजनों ने अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी। पिता ने जुबानी आरोप ससुराल पक्ष पर लगाते हुए कहा कि ससुराल वालों ने उसकी बेटी को मार दिया या मरने के लिए मजबूर किया है। पुलिस रिपोर्ट आने पर मामले की अग्रिम कार्रवाई शुरू करेगी। क्या है प्रॉब्लम? अजी ये गांव मतलब बावड़ा से हमारी लड़की को रात को 9 बजे तक हमने फोन से बात की राजी खुशी बात की। हमारे यहाँ शादी का खाना प्रोग्राम था, तो वो खाने में यहाँ आने के लिए हमारे को बोली थी मैं सुबह आऊंगा, 9 बजे के बाद में ये सब काम करवा के रात को पासी वासी लगा के एंड उसको घर में सुला दिया। पूरी रात भर वहीं रखा और सुबह सुबह 9:30 बजे हमारे यहाँ फोन किया, जो कि उसकी नाड़ी नहीं चल रही है, तो नाड़ी बंद होगी, सांस बंद होगी, ऐसे बोले थे। ऐसे नहीं बोले जो पासी लग गई खा गई या ये नहीं बोला कि उसकी तो नाड़ी बंद होगी, सांस नहीं चल रही, तो सांस नहीं चल रही तो मैं ये मान लो कोई चक्कर वगैरह गर्मी में जब कोई चक्कर वगैरह आ गया हुई तो मैं क्यों भाई हॉस्पिटल चेक करो यार फटाफट। मैं जो बागौर वैन है वहाँ गाड़ी है, मैं जो हॉस्पिटल लेके आओ तो हॉस्पिटल भी नहीं लाए। उठी कोई फालतू कोई लोकल मतलब डॉक्टर हो जिन्हें चेक कराई दौरान वो गया, मैं तो बता दिया बस मैं वापिस से दाग कराई जरा नहीं कोशिश की। मैं फोन आया ना गड़ा वो निशान मिटे मेरे पास फोटो है, हाँ फोटो है मेरे मैं फोन हाँ गड़ा के निशान मिटे पूरे परिवार मेरे पूरे परिवार है। उसका बड़ा ससुर रामचंद्र जी है और उसका सगा ससुर शांतिलाल कीर पिता पावना को नाम श्यामलाल कीर इसका नाम है रमेश देवर को नाम रमेश लाल कीर और वो जी मतलब दोरानी है नारायणी देवी एक बर्जी ये दादी सासू वह घर भी आपको राजी खुशी वहाँ कोई परेशानी नहीं है, एक भी आंसू डांक मेना रो रहा वो हंस रहा हाँ लाश में लेना अटे भी वहाँ परिवार में कोई ना है, एक एक बच्चा भी नहीं है, बड़ी साथ में कोई ना है, मैं खुद ही लेके आया। अब छावा मैं कार्रवाई छावा न्याय छावा था न्याय जान ये टोटल परिवार फंस जाऊ सवाल मेरे ताई जाम जाऊ अब दो बच्चे आ गए छोटा सा बच्चा भी है वहां दो ये 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 बच्चे दियो है ये एक मोटा छोटा साजी 2008 में पहली कोई प्रेशर नहीं किया ना पहली हां बाद में नरे बड़ी लेडिया था पहली भी एक बार मैं रूस गया था लेना आया तो मेरा भाजी भेज नहीं रहा तो पावनो बाद में वो जो मैं अभी लड़ा गए मैं अभी ने सही रहा मैं भेज ही नहीं रही हूँ तो पावनो जबरदस्ती भाजी ले गई दूसरी बार में यह घटना है वो तो जो वही झंझट मटकी गई है शांतिलाल की कीरखेड़ा मंडल।